आंचल दूध में मेलामाइन की पुष्टि होने पर फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आंचल निर्माता कंपनी पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसे लेकर बुधवार को नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने हल्द्वानी के एक रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता कर सफाई देते हुए कहा कि आंचल दूध सुरक्षित है और उपभोक्ताओं को इसके सेवन से कोई नुकसान नहीं है। इस मामले की दोबारा जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आंचल गोल्ड के सारे सैंपल मानक पर खरे उतरे हैं, लैब ने क्लीन चिट भी दी है, तो ऐसे में 0.08 PPM का अंतर गले से नहीं उतर रहा। दूध के सैंपल उच्च लैब को भेजे मामले की जांच कराई जाएगी। बोरा ने कहा कि आंचल दूध की छवि खराब करने की कोशिश भी हो सकती है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वहां भी बात करेंगे, यही बताएंगे, लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है, इसमें पहला विषय यह है कि कल एक चैनल द्वारा रिपोर्ट जो दिखाई थी, एक चैनल में न्यूज आ रही थी कि मेलामाइन जो है उससे स्लाइटली कुछ ऊपर है देहरादून के देहरादून संघ जो हम दूध बनाते हैं। एक्चुअली जनवरी 2023 में वहाँ से देहरादून दूध संघ से 9 सैंपल लिए गए थे, जिसमें रॉ मिल्क भी था, क्रीम भी था, पाउडर भी था, छाछ और अन्य प्रोडक्ट थे। 9 में से 8 जो हमारे प्रोडक्ट थे उनके रिपोर्ट बिल्कुल ओके आई है। और यही नहीं, आश्चर्यजनक यह है कि उसमें जो रॉ मिल्क था, जो SMP था, उसमें मेलामाइन की मात्रा 0 दिखाई गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड का आंचल ब्रांड निरंतर लोकप्रिय हो रहा है और उपभोक्ताओं के बीच में अपनी निरंतर साख बना रहा है। कल ही एक समाचार के माध्यम से एक जो खाद्य विभाग की जनवरी 2023 में 109 सैंपल जो किए थे, उसमें 2 सैंपलों में अंतर आया है। उसमें एक तो है देहरादून दुग्ध संघ जो आंचल है उसके सैंपल में मेलामाइन पॉजिटिव आया है,